नमस्कार, हमारे खास शो मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक तरफ ओवैसी के नाम का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर आजम खां को मनाने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी हैदराबाद में बैठकर इशारों में यूपी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साध रहे हैं। इस सियासत के कई मायने निकलते हैं, ये सिर्फ संयोग है या फिर यूपी में एक ऐसे नए सियासी समीकरण का प्रयोग परवान पर है जिसका अब तक ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन अभी से ही इस बात की चर्चा है कि आजम खां और ओवैसी अगर एक साथ आए तो फिर इसका प्रोमो दमदार होगा। अब सवाल है कि क्या ओम प्रकाश राजभर इसी आशंका को खत्म करने के लिए आजम से मिलना चाहते हैं, या फिर सपा के रूठे नेता को मनाने के नाम पर वो अपनी अलग गुप्त खिचड़ी पकाने की तैयारी में है। देखिए इस रिपोर्ट में। कल तक साथ साथ और अब अदावत की बात। पिछले साल जब तक ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं हुए, तब तक वे ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के गीत गा रहे थे। 10 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना रखा था, खुद उसकी अगुवाई कर रहे थे। इसमें AIMIM की भी भागीदारी थी। ओवैसी के साथ साथ शहर शहर घूम रहे थे। लेकिन चुनावी मौसम में सियासी राहें क्या अलग हुई, चुनावी नतीजे में ओवैसी का सपना क्या टूटा, अब ओम प्रकाश राजभर आजम खान की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं और ओवैसी की हैसियत नाप रहे हैं। 27 अक्टूबर 2021 को मऊ के हलधरपुर में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ रैली की और इसमें ऐलान किया कि सपा के साथ ही अब वो सियासत में कदम मिलाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी के साथ राजभर का साथ छूट गया। बात 6 महीने पुरानी हो गई, लेकिन अब एक बार फिर राजभर ने ओवैसी को याद किया है, पर वजह आजम का गुणगान करना है। इसके लिए वो ओवैसी पर हमलावर है कि वो MY में M के बड़े नेता माननीय आजम खां जी हैं, समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। भाई यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका का चलता है? ओवैसी का? ओवैसी जी का चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजभर के सियासी कदम को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन राजभर की जुबान पर इस वक्त आजम ही आजम है। यहाँ ये भी गौर करना जरूरी है कि राजभर कभी शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी रह चुके हैं, प्रमोद कृष्णम से भी उनकी दोस्ती रही है। अब सवाल है कि आखिर यूपी की सियासत में आजम के नाम पर कौन सी खिचड़ी पक रही है। राजभर ओवैसी पर तब हमलावर हैं जब उनका हैदराबाद में दिया गया एक बयान चर्चा में है। इसमें ओवैसी भावुक दिख रहे हैं, वो लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। जोधपुर से कहते कसौटी ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, हार खाने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। भले ये बयान ओवैसी ने हैदराबाद में दिया हो, लेकिन इशारा यूपी को लेकर है। भले ओवैसी हैदराबाद में ये बोल रहे थे, लेकिन उनकी नजर यूपी पर थी, उसी यूपी पर जहां सपा के दिग्गज नेता आजम खान को उनकी पार्टी चिट्ठी लिखकर न्योता दे चुकी है कि आप आएं और हमारे साथ मुसलमानों की रहनुमाई करें। तो क्या अंदर ही अंदर एक बड़ा सियासी समीकरण आकार ले रहा है? जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरज कबूत में कह रहा है हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे।
क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या इस तैयारी का हिस्सा आजम खान भी होने वाले हैं? क्या इस प्लान में आजम का नाम भी आ सकता है? क्या इसी की भनक पाकर अब सीतापुर की जेल में ओम प्रकाश राजभर पहुंचकर आजम से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि ओवैसी की ललकार का यूपी में कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ बने रहे तो आपका कद और ऊंचा होगा। अब देखना यह है कि इस सियासत का नतीजा क्या निकलता है, इस बयानबाजी से आगे और क्या होने वाला है। इस बीच सीतापुर की जेल में छापेमारी की चर्चा ने अटकलों को और हवा दे दी है। कहने को तो ये रूटीन जांच है, लेकिन अटकलों की हवा में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। आखिर इस जेल में आजम खान जो बंद है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजभर के अचानक सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मिलने का बयान एक बड़ी सियासी तरफ इशारा करने वाला है, लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। वजह है राजभर का सियासी अंदाज, वो कब क्या बयान दे डालें कोई नहीं जानता। बावजूद इसके उनके आजम के नाम पर ओवैसी वाले दाव को कोई हल्के में नहीं ले रहा। सीतापुर की जेल में बंद आजम से मिलने के लिए सपा गठबंधन के खेमे के एक और दूत पूरी तैयारी कर रहे हैं। नाम है ओम प्रकाश राजभर, वही राजभर जो कई बार अखिलेश यादव को अपने हैरान करने वाले बयानों से धर्म संकट में भी डाल चुके हैं। लेकिन अब इशारों को समझें तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को आजम की नाराजगी के संकट से बाहर निकालना चाहते हैं। राजभर आजम खान से तब मिलने जा रहे हैं जबकि आजम ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। अपनी नाराजगी की खबरों के बाद आजम अब तक प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिले हैं। अब राजभर को भरोसा है कि आजम उनसे जरूर मिलेंगे, तो क्या राजभर आजम के पास अखिलेश का कोई बड़ा संदेशा लेकर जा रहे हैं? और क्या यही वजह है कि राजभर ने अभी से शिवपाल को लेकर टेबल खड़े कर लिए हैं? जी हाँ, शिवपाल यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। शुरुआत हुआ माननीय शिवपाल जी से, और पहले तो शुरुआत हुआ कि शिवपाल जी जा रहे हैं भाजपा में, आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा। तब जब वहाँ से मामला गड़बड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रास्ता तैयार किया कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मामला नहीं बनेगा, बल्कि आप जाओ कुछ हलचल हम टीवी चलवाते हैं तुम वहाँ जाओ, तो वो चले गए जेल। जब से वो जेल गए हैं तब से तो मतलब शिवपाल यादव को जेल भाजपा ने भेजा, तब क्यों भेजा है, इसके पहले क्यों नहीं गए? आखिर समय वो क्यों कह रहे हैं कि हमको निकाल दीजिए, क्यों कह रहे हैं कि हमको सर निकाल दीजिए? अभी टिकट हम टिकट ये कहें कि हमको चीटियों नहीं मिलेगी तब वो हम सपा में रहेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। आज कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा चुनाव आ गया अच्छा कि नाराज हो गए? कौन सा चुनाव आ गया? कोई तो चुनाव वो नहीं हुआ। अरे सदस्यों का तो कत्तो चुनाव नहीं आया, कल तक तो आप 22 तक तो खुश से ताज क्यों नाराज हो गए भैया? और ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ड्रामा फैला रही है कि अखिलेश जी को कैसे कमजोर करें। राजभर का दावा है कि सपा को कमजोर करने की साजिश भाजपा रच रही है, इसलिए शिवपाल को वो लगातार आगे कर रही है। राजभर को अंदर खाने इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी बातों पर आजम खान भरोसा करेंगे, इसलिए मिलने की बेकरारी है। लेकिन इसी बीच राजभर ने आजम को ओवैसी से बड़ा नेता बताकर एक नया इशारा दे दिया है। सवाल है कि क्या राजभर को आशंका है कि आजम और ओवैसी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या सपा भी इसे लेकर सावधान है कि आजम नए मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं? क्या आजम खान को ओवैसी से बहुत बड़ा नेता बताना एक बड़ा दांव है? अगर नहीं तो आखिर ओम प्रकाश राजभर को ओवैसी का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? कि MY में M के बड़े नेता माननीय आजम खान जी हैं, समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। भाई यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका का चलता है? ओवैसी का ओवैसी जी का चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
लेकिन यूपी में जो होल्ड अपनी कम्युनिटी में जैसे मुलायम सिंह यादव जी का था है। एक तरफ ओवैसी को राजभर यूपी में छोटी हैसियत का नेता बता रहे हैं तो दूसरी ओर सपा गठबंधन के ही दूसरे नेता केशव देव मौर्य ने सीधे राजभर पर ही हमला बोल दिया है। इसने सपा गठबंधन के भीतर खींचतान को लेकर फिर बड़ा इशारा दे दिया है। राजभर के सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिलने के दावे पर केशव देव मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद भरोसेमंद शख्स नहीं है। देखिए मुझे तो ओम प्रकाश राजभर पर हमेशा से डाउट था। वो बीजेपी नहीं आरएसएस से मिले हुए हैं। बीजेपी देख छोटा टुकड़ा, आरएसएस के कई हाथ हैं। वो बीजेपी नहीं आरएसएस से मिले हुए और आरएसएस के हिसाब से वो काम करते हैं। मुझे याद है आज से 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले मुझे उन्होंने बुलाया था और कहा कि अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग की जाए। आज 30 अप्रैल है, क्या वो बैठक हुई? बैठक तो नहीं हुई। बैठक नहीं हुई, इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के हिसाब से काम नहीं। उनके जितने काम होते हैं वो आरएसएस को फायदा पहुंचाते हैं। आप बताइए आज अगर आजम साहब नाराज हैं या खुश हैं, ये अभी बाहर नहीं आया है, कोई उनके परिवार से कोई बयान नहीं है। अगर आजम साहब खुश हैं तो भी आपको अखिलेश यादव जी से पूछ के उनसे मिलना चाहिए। अगर वो नाराज हैं तब तो आपको बिना अखिलेश यादव जी से पूछे नहीं मिलना चाहिए। और अखिलेश यादव जी से पूछ के ना आप मीटिंग कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव जी से पूछ के मीटिंग हो रही थी तो शिवपाल जी को जब अखिलेश जी ने गठबंधन से निकाल दिया फिर आप मीटिंग क्यों कर रहे थे? अब सपा गठबंधन के नेता केशव देव मौर्य के राजभर पर साधे गए निशाने से सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी तरफ से आजम से मिलने जा रहे हैं या फिर राजभर आजम से मुलाकात में अपने साथ अखिलेश यादव का संदेश लेकर जाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं ईएनपी अवार्ड की, जहां पर एबीपी गंगा का डंका बजा हुआ है। कई अवार्ड्स एबीपी गंगा ने अभी तक जीत लिए हैं। ईएनपी अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को मिला है ईएनपी अवार्ड, जहां बात तो चुभेगी को बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन अवार्ड मिला है। तो बता दें आपको बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का अवार्ड भी एबीपी गंगा ने ही हासिल किया है। बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड भी एबीपी गंगा ने जीता है। एबीपी गंगा का डंका बजा हुआ है। ईएनपीए अवार्ड आज दिल्ली में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। 2021 ईएनपीए अवार्ड्स में एबीपी गंगा ने कई अवार्ड जीते हैं, जहां कई चुनावी शो में भी एबीपी गंगा का ही डंका बजा है। साथ ही बात तो चुभेगी को बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन अवार्ड मिला है। बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का अवार्ड भी एबीपी गंगा ने ही हासिल किया है। और अभी तक ईएनपी अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा ने 3 अवार्ड जीत लिए हैं। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को भी ईएनपी अवार्ड मिला है और कुल 3 अवार्ड अभी तक एबीपी गंगा ने इस अवार्ड सेरेमनी में जीते हैं। अब बात होगी जांच का फरमान मदरसों का महासंग्राम की। दरअसल यूपी में संचालित तकरीबन 7,500 मदरसों की जांच का आदेश सामने आया है, लेकिन यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जांच में सीबीआई का राग अलाप कर माहौल बदल दिया है। अब आवाज उठने लगी है कि जांच से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। मदरसों पर महासंग्राम, मुख्यमंत्री मदरसों की जांच सीबीआई को दे दें। मदरसों की सीबीआई जांच वाला प्लान कि ये बार बार विभागीय जांच से इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम मदरसों में भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछली सरकारों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। शासन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, ये आदेश मदरसों की जांच से संबंधित है, जिससे मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ सभी मदरसों को मिलने लगे। लेकिन जैसे ही मदरसों की जाँच की बात उठी तो सियासत भी गरमाने लगी। हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जाँच के दायरे को बढ़ाने का जिक्र किया और ये जांच विभागीय न करा के सीबीआई से कराने की बात कह डाली।
कि मेरा मानना यह है कि मैं तो मांग करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मदरसों की जांच सीबीआई को दे दें, क्योंकि ये बार बार विभागीय जांच से इसका काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम मदरसों में भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछली सरकारों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। जब 2017 में आदरणीय योगी सरकार आई और हम लोगों ने योगी सरकार में चार्ज लिया था, तभी हम लोगों ने मदरसा पोर्टल किया था, ऑनलाइन किया था, रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया था, तो लगभग 7,000 मदरसे अस्तित्व में ही नहीं थे और चल रहे थे वो। जैसे ही मोहसिन रजा का बयान आया तो मामला गरमाने लगा है और कहा जाने लगा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर सियासत न हो। अधिकारी के जरिए ये जांच हो रही है। मैं मदरसे से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों, शिक्षकों और आधुनिक शिक्षकों से अपील करता हूँ, साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से अपील करता हूँ, जाँच में सहयोग करें। मैं चाहता हूँ कि मदरसे जो चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रहे, किसी को भी उंगली उठाने का हक न रहे। आपको बता दें कि ये पहले से ही तय था कि जल्दी मदरसों की जांच की जाएगी, जिससे सरकार की योजनाओं को मदरसों तक पहुंचाया जाए और कोई फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ न उठाए। आपको बता दें कि यूपी के 7,442 मदरसों की जांच होनी है। 15 मई तक मदरसों की जांच पूरी करनी है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसे संचालित किए जाते हैं। इस जांच के लिए भवन, भूमि, किरायनामा की कमेटी बनाई गई है, तो वही शिक्षकों और छात्रों के भौतिकी जांच के लिए कमेटी बनी है। यही नहीं, जांचों का जिम्मा स्थानीय अधिकारियों के जिम्मे डालने की तैयारी है। इसी को लेकर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जांच स्थानीय अधिकारियों से न कराकर सीबीआई से कराने की बात कही थी। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने तो साफ कर दिया है कि मदरसा नियमावली का उल्लंघन हो रहा है और इसकी जांच जरूरी है। जांच की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि योगी सरकार आने के बाद कई मदरसे फर्जी तरीके से संचालित होते पाए गए। 2017 के बाद मदरसों की जांच हुई, जिसमें 7,000 फर्जी मदरसों का खुलासा हुआ, जिसमें बिना पढ़ाए ही शिक्षक वेतन पा रहे थे, को अध्यापक मिले जो विदेशों में नौकरियां भी कर रहे थे और यहां भी सैलरी पा रहे थे। तो इस तरह की चीजें, अनियमितताएं बहुत सारी निकली थी, उसको दुरुस्त किया गया, मदरसों को मॉडर्नाइज किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि बार बार इस तरह की जो खानापूर्ति की जांचें हैं, इनको बंद करके सीधी तौर पर इसको सीबीआई के हवाले किया जाए। इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। मामला मदरसे की जांच से सीबीआई की चौखट तक पहुंचाने तक आ गया, जो आने वाले वक्त में सियासत को और गर्मा सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही मदरसे सियासी महारथियों के लिए मल्ल युद्ध का सबसे मुफीद मुद्दा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। रायबरेली से सन कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की जिंदगी को नर्क बनाने का काम उसने ही किया जिसने उसे अपना बनाया था। उसने ही 5 बार तलाक देकर फिर से अपनाया, लेकिन हलाला करने के बाद और जब पीड़िता हो गई अपने पति की हरकतों से परेशान, तो खटखटाया है पुलिस का दरवाजा। 3 तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति के लिए मोदी सरकार ने भागीरथी पहल की। जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने का कानूनी हक मिला, तो इसका असर दिखाई देने लगा। लेकिन रायबरेली के मिल एरिया इलाके में थरथोलवा गांव से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे 5 बार तलाक दिया, जबकि 3 बार उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया। हमारा मामला ये है कि मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा, हलाला कराया, फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। चुभने वाली बात तो ये है कि महिला साल 2015 में निकाह के करीब 1 साल बाद से 3 तलाक और हलाला का दंश झेल रही है। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। इस दौरान उसे अपने ही देवर के साथ हलाला करना पड़ा, फिर मोहम्मद जाहिद के साथ फिर निकाह हुआ। वो मेरा देवर है, हलाला कराया, उसके बाद में फिर उन्होंने तलाक दे दिया, फिर इनके साथ हुआ। फिर बानो के साथ, अपने बुधाई बानो के साथ कह रहे हैं कि हलाला फिर कराओ, हमने मना कर दिया। हालांकि इस बार आरोपी पति ने बहनोई के साथ हलाला को लेकर दबाव बनाया, तो महिला ने पुलिस में इंसाफ के लिए गुहार लगा दी।
एक दिन मेरे कार्यालय पर एक महिला उपस्थित हुई, उन्होंने बताया कि मेरा निकाह जिस परिवार में हुआ था, तो मेरे पति ने एक बार तलाक, ट्रिपल तलाक दिया, उसके बाद उसका हलाला उनके भाई से कराया गया, फिर पुनः निकाह हुआ, फिर उन्होंने दोबारा इसी तरह से ट्रिपल तलाक दिया और फिर उनका हलाला और निकाह की बात बताई, और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तीसरी बार यही प्रक्रिया अपनाई तो वो मेरे समक्ष उपस्थित हुई। फिर मेरे समक्ष आई तो जैसे ही मैंने प्रकरण देखा तो तत्काल इस पर FIR पंजीकृत करने का आदेश दिया, थाना मलेरिया में इसकी FIR पंजीकृत हुई है, विवेचना चल रही है। अफसोस की बात है कि कानून बनने के बाद भी तीन तलाक नासूर बना हुआ है। कानूनी सख्ती के बावजूद महिलाओं को तीन तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि मुस्लिम महिलाएं अब इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करने लगी है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।